नमस्कार, एग्री मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 19 जून। कल के सेशन में एग्री मार्केट के अंदर हमने एक अच्छा खासा प्राइस मूव आते हुए देखा। इसका रिफ्लेक्शन आप एग्री डेस्क से ले सकते हैं। एग्री डेस्क में कल हमने 1.25% की तेजी आते हुए देखी शॉर्ट कवरिंग के चलते, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि पूरा ही एग्री मार्केट में तेजी रही होगी, और वैसा ही हुआ। कल हमने देखा सोयाबीन के प्राइजेस में 0.25% की तेजी, रिफाइंड सोया में करीबन 1% की नियर बाय की तेजी, मस्टर्ड में 1.5% की तेजी, वही सीपीओ में हमने 1% की तेजी आते हुए देखी। कैस्टर भी, जैसे हमने कहा था कि 38 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, और 1.5% की तेजी कल हमने देखी। मसालों की बात करें तो मसालों में हल्दी वॉल्यूम थोड़ी कम है, बट ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग के चलते कल हमने 2% की तेजी आते हुए देखी। जीरा एज ऑफ नाउ थोड़ा स्टैग्नेंट है। जैसे हमने बताया था कि 14,000 के ऊपर निकलने पे ही बड़ी तेजी देखेंगे, नहीं तो 13,500 से 14,000 के बीच में ही ट्रेड करेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट रहा है धनिया। काफी दिनों के बाद हमने 6,000 के ऊपर की क्लोजिंग आती हुई देखी, वो भी फेस्ट बाइंग के चलते। टेक्निकली भी हमने देखा एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है, जो 6,200 से 6,300 का लेवल धनिया दिखा सकता है। सरप्राइज मूव चने में है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 4180 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 दिन में ध्यान रखिए, अगर 4180 के ऊपर चना निकल जाता है तो एक अच्छी खासी तेजी चने में देखने मिल जाएगी, जो 4250 से लेकर 4300 तक के भी लेवल दिखा पाएगा। वही कॉटन सीड ऑयल केक में, जैसे हमने कहा था कि प्राइसेस 2100 के नीचे सस्टेनेबल अगर जाते हैं तो ही वीकनेस है, अदरवाइज जंप ले लेगा। तो आज के सेशन में कॉटन सीड ऑयल केक में बड़ी तेजी का दिन है। 2200 का लेवल तोड़ने पे हम 2240 तक का लेवल कॉटन सीड ऑयल केक में देख पाएंगे। वही गवार सीड गवार गम में फिर से क्रूड को लेकर हमने जिस ढंग से गेंस दिखा है, उसी का रिफ्लेक्शन हम गवार सीड गवार गम में देख पा रहे हैं। लेकिन प्राइजेस 3650 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, थोड़ा सा कंसर्न है प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि आज शुक्रवार वापस हो गया है। गवार गम स्ट्रांग है, 5400 के ऊपर 5650 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर हम ओवरऑल आज के टॉपिक की अगर बात करें, तो हमें लगता है आज के सेशन थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग का है। कैस्टर स्ट्रांग लग रहा है। कैस्टर के साथ हम मसालों के अंदर बात करें तो धनिया और हल्दी दोनों में ही तेजी रहेगी, गवार सीड गवार गम में तेजी रहेगी, और सबसे अच्छा रहेगा जो है कॉटन सीड ऑयल केक, जो 2200 का लेवल तोड़ने पे 2230 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं चना एक रेंज बाउंड रहेगा। सबसे खराब हमें जो लग रहा है वो है सोयाबीन। सोयाबीन में जो भी रिलीफ रैली मिले, इस रिलीफ रैली पे हमें बेच के काम करना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल 3800 का लेवल नहीं तोड़ता है, पॉसिबिलिटी है वापस 3700 का लेवल देखने मिल जाएगा। मेंथा भी लुक्रेटिव है, 990 के रेंज में मिले तो ड्रॉप पे लेके चलिए। 1000 का आंकड़ा तोड़ने पे 1030-40 का लेवल दिखा देगा। अराइवल्स ज्यादा है नो डाउट, बट प्रैक्टिकली भी मार्केट उस चीज को ओवरडन कर चुका है। वहीं कॉटन के प्राइजेस में आज हम एक मॉर्निंग सेशन में बाउंस देख पाएंगे, जो 16,200 से 250 तक का लेवल कॉटन में हम देख पाएंगे। धन्यवाद।